बुराड़ी विधानसभा में लोगों ने अपने घर तोड़े जाने का किया विरोध। मुकरबा चौक वजीराबाद रिंग रोड पर हजारों की संख्या में लोगों ने उतरकर किया जाम। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। लोगों का आरोप, राजनीतिक संयंत्र के तहत पहले लोगों को बसाया गया और अब उनके आशियाना बहुत सरकार तुड़वा रही है। रिंग रोड पर लगा लंबा जाम, हजारों वाहन जाम में फंसे। बुराड़ी विधानसभा के झरोदा वार्ड के अंतर्गत आने वाली कई कॉलोनी को कोर्ट द्वारा तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद इन कॉलोनी में रहने वाले लाखों लोग बेघर होने के डर से अपनी मांगों को लेकर बाहरी रिंग रोड पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पहले यहां पर लोगों को बसाया गया और अब कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर कॉलोनी को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। बुराड़ी विधानसभा के झरोड़ा वार्ड के अंतर्गत आने वाली ज्यादातर कॉलोनी में लोग कई सालों से रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं और लोगों से झूठे वादे भी करते हैं कि कॉलोनी को पास कराया जाएगा। अभी तक दिल्ली में कई कॉलोनी पास भी नहीं हुई है और पूरी दिल्ली में इसी तरह लाखों लोग कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं, जहां पर लोगों को बिजली व पानी के कनेक्शन भी सरकारी विभागों की ओर से दिए गए हैं। यदि कॉलोनी कच्ची है तो सरकार लोगों को बिजली व पानी के कनेक्शन क्यों दे रही है और क्यों उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है? कहीं ना कहीं सरकार अपने राजनीतिक दांव पेचों के चलते लोगों को मोहरा बना रही है और अब इस जमीन पर बसी कॉलोनी को तोड़ने के लिए कवायद भी शुरू की जा चुकी है। कोर्ट से लोगों को नोटिस दिए गए, लोग अपने आशियाना को बचाने के लिए नेताओं से लेकर अधिकारियों तक सभी से मिले, लेकिन उनकी समस्या के समाधान के लिए कोई भी नेता व अधिकारी आगे नहीं आ रहा है। वही कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि इलाके के जमींदारों ने उन्हें ग्राम सभा की जमीन बेची है। उन्हें नहीं बताया गया कि यह जमीन ग्राम सभा की है, अपने मुनाफे के लिए उन्होंने जमीन बेच दी और अब जमीन पर बसी कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। लाखों की संख्या में लोग यहां पर रहते हैं, साथ ही लोगों का आरोप है कि अब सर्द रातें कहां बिताएंगे। साथ ही त्योहार भी चल रहे हैं, जब घर टूट जाएंगे तो वह अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर कहां रहेंगे। वहीं दिल्ली के दूसरे इलाकों में जहां अवैध कॉलोनी को तोड़ा गया है, दूसरी जगह पर सरकार ने उन्हें बेसन के लिए जमीन भी दी है, लेकिन यहां पर जमीन मालिक को और नेताओं ने झूठ बोलकर लोगों को फंसाया है। इलाके पूर्व भाजपा निगम पार्षद व दक्षिण दिल्ली से भाजपा जिला प्रभारी गौरव खारी भी लोगों के बीच पहुंचे, जिन्होंने का बताया कि वह इन लोगों के साथ खड़े हैं। सांसद मनोज तिवारी ने भी लोगों से कॉलोनी को पास करने का वादा किया था। लोगों से एक फिर वही झूठे लोक लुभावन वादे कर उन्हें मानने की कोशिश की जा रही है। वही लोगों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लगे लंबे जाम में हजारों वाहन फंसे हुए हैं। इसमें कई एम्बुलेंस में फंसी हुई है, जो घायल लोगों व बीमार मरीजों को लेकर एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल जा रही हैं। यदि इसमें कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कई कई गवर्नमेंट के लोग आए और किसी ने इस जमीन को विवादित नोटिस चप्पा नहीं की कि यह विवादित जमीन है। 2015 में यही की दिल्ली सरकार ने ये लिख के दिया है कि वो जगह खाली है। ये अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की। इस कॉलोनी में आप रह रहे हैं, कौन सी कॉलोनी? ये जड़ौदा के संगम विहार, जड़ौदा के कम से कम 5 लाख घर हैं और इन घरों में 50-50 साल पहले से लोग रह रहे हैं, चार चार पुश्ते रह रहे हैं। और कोर्ट ने ऐसे कैसे फैसला लिया? कोर्ट ने ऐसे की बिना आप प्रति कंप्लेनेंट को डाले हुए उसको खड़ा किया, आपने कैसे डिसीजन लिया? कोई हमारे सांसद को, हमारे विधायक को, हमारे सांसद को, विधायक को और निगम पार्षद किसी को कह रहे हैं हमें नहीं पता है, तो किस बात के लिए दिल्ली सरकार बैठी है? उनको जमीन दिया गया मेहरौली में, एक बार उनको मेहरौली में जब जमीन दी गई तो वो क्यों नहीं लिया हम लोग मेहरौली में? रोड जाम करने, पुलिस से कोई हमारी वो नहीं है, कोई बात नहीं। पुलिस कहीं से जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है दिल्ली सरकार, जिसने 2015 में ये लिख के दिया है कि वो जगह खाली पड़ी है। अगर आप कोर्ट को संज्ञान में लें, कहीं कभी आप निर्णय उठा के देखें तो कोर्ट को संज्ञान लेने के बाद बताया जाता है कि इतने परिवार इतने साल से रह रहे हैं। कोर्ट का भी कहना है कि